हमने क्या किया, हमने ये किया कि फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा हमने कर लिया। हमने एग्जांपल्स करने हैं लेंस लॉ के, और एग्जांपल्स करने हैं। तो और एग्जांपल में जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, इस एग्जांपल में मैग्नेट का नॉर्थ विद सम वेलोसिटी पास आ रहा है स्क्वायल के, गैल्वेनोमीटर इसलिए लगा रखा है ताकि ये चेक कर सके करंट पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें पता है कि जब नॉर्थ पास आ रहा है तो कॉइल का ऐसे देखते हैं, कॉइल का ये वाला फेस क्या एक्ट करेगा, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो नॉर्थ का मतलब करंट कैसे दिखेगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसमें। तो पहला आंसर क्लियर है, आपको ऐसे क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन बतानी होती है और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। फिर देखो सेकेंड केस में, ये मैग्नेट अब पास आने की बजाय कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये वाला क्या एक्ट करेगा, फेस साउथ। तो साउथ का मतलब करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। सेकेंड स्टेप भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज ये मैग्नेट है और कॉयल है, मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो। मैग्नेट यानी कि किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। इसमें कुछ लाइंस पास कर रही हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है इसे, तो क्या इसमें करंट पैदा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स है तो है, ये नहीं कि फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट है। क्योंकि मैग्नेट जब पास जाएगा या दूर जाएगा तो फ्लक्स या बढ़ेगा या कम होगा, तब तो करंट पैदा होगा, इंड्यूस होगा, अदरवाइज करंट पैदा नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कोई करंट इसमें जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, जीरो, मैग्नेट रेस्ट पे है, पर कॉयल के नीचे यहाँ व्हील लगा दिए, इस बार कॉयल पास आ रहा है। अब कोई पास आए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कॉयल पास आएगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज, इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो ऑब्वियसली नॉर्थ है और ये जब पास आएगा तो ये चाहता नहीं है कि इसके पास आए, क्यों, पास आने से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो क्या होगा, जब ये पास आएगा तो नॉर्थ यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ, ताकि रिपल्शन हो। तो यहाँ से करंट मुझे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, नॉर्थ के पास जाओगे तो नॉर्थ ही डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ये मान लो मैग्नेट है, ये इसके पास आ रहा है, ये हमने कर लिया, नॉर्थ आ रहा है तो क्या डेवलप होगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ है तो कौन सा करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, सेम है, नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो यहाँ फेस क्या होगा, साउथ, साउथ का मतलब यहाँ से करंट क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन में मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक वायर, बैट सर्किट लॉ आ गया, करंट कैरिंग वायर है, ये रहा करंट, यहाँ पर एक लूप पड़ा हुआ था, लूप में कोई करंट था नहीं वैसे तो, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है और करंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करंट कैरिंग वायर में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रूल नंबर वन, जब करंट इस तरफ है तो थंब इस तरफ, तो ये इसके सेंटर पे क्या जनरेट करेगा, बी जनरेट करेगा। तो थंब इस तरफ बी जनरेट करेगा, और बी कैसे जनरेट करेगा, इनसाइड, क्योंकि याद है राइट हैंड बाइट सर्विट लॉ, स्ट्रेट वायर है, करंट इस तरफ है, बी इनसाइड, और क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो बी की वैल्यू भी इनसाइड क्या हो रही है, डिक्रीज। अब ये लूप क्या कहता है कि भाई मेरा बी क्या हो रहा है, इनसाइड डिक्रीज, तो तुम मेरा लूप इनसाइड डिक्रीज कर रहे हो। तो ऐसे केस में
तो देखो एक बार फिर से एग्जांपल, एक बार फिर से एग्जांपल देखो प्लीज़। इस एग्जांपल में करंट इस तरफ जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर में करंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ये बी जनरेट करेगा। यहाँ एक लूप पड़ा हुआ था, बी कैसे जनरेट करेगा? हमने बायोट सर्वेट लॉ किया था, स्ट्रेट वायर में करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो थंब करंट के साथ बी कैसे होगा इसमें? इनसाइड। तो बी वेक्टर यहाँ पर कैसे होगा? इनसाइड। और क्योंकि करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो ये बी को भी क्या कर रहा है? यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। अब ये लूप यहाँ पड़ा था, ये कह रहा है कि ठीक है इस वायर ने बी की वैल्यू को डिक्रीज किया, और कहाँ डिक्रीज किया? इनसाइड डिक्रीज किया। तो कॉइल क्या कहता है कि मैं अपने इनसाइड बी को डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मैं क्या करूंगा इसमें, मैं करंट को ऐसे पैदा करूंगा कि आप जो मेरा बी डिक्रीज कर रहा है मैं उसको बढ़ा सकूं। तो ये कॉइल बी कैसे जनरेट करेगा? इनसाइड, क्योंकि बी क्या हो रहा है इसमें? इनसाइड डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं चाहेगा कि बी डिक्रीज हो। तो ये कॉइल भी अपना बी भी इनसाइड करेगा और करंट को कैसे घुमाएगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से देखो एक बार, मैंने कहा करंट इधर आ रहा है, ये करंट इसके सेंटर पे बी जनरेट करेगा, डायरेक्शन बताओ कैसे जनरेट करेगा? राइट हैंड का थंब इस तरफ, तो बी कैसे होगा? इनसाइड। तो लिख लिया इनसाइड, और क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर बी भी क्या होगा? यहां पर डिक्रीज होगा, ये भी क्लियर है। अब कॉइल ये कहता है कि क्योंकि मेरा बी क्या हो रहा है? इनसाइड कम हो रहा है, बी कम हो रहा है अंदर की तरफ, मैं ये नहीं होने दूंगा, तो मैं बी को क्या करूंगा? डिक्रीज नहीं होने दूंगा, तो मैं अपना करंट ऐसे पैदा करूंगा कि मेरा बी भी कैसे हो जाए? इनसाइड। तो करंट कैसे घूमेगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इसका रूल है। अब जैसे फिर से देखो, फिर देखो मान लो इस बार ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में राइट साइड करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो राइट साइड करंट इंक्रीज हो रहा है। अब ये करंट कैरिंग वायर इसके सेंटर पे बी जनरेट करेगा, कैसे? राइट हैंड का थंब करंट के साथ बी कैसे है? आउटसाइड। तो लिख लेता हूं बी यहां पर कैसे होगा? आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां पर? तो ये करंट है और बी कैसे है इसमें? आउटसाइड। कोई डाउट इसमें? अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो आउटसाइड बी की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बी इसमें बढ़ रहा है आउटसाइड, तो बी की वैल्यू आउटसाइड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कॉइल कहता है कि मेरा बी आउटसाइड इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा नहीं मेरा बी इंक्रीज हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं अपना करंट ऐसे पैदा करूंगा कि आउटसाइड भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो अपना भी इनसाइड कर लूंगा, और करंट कैसे घुमाऊंगा? इन क्लॉकवाइज, ताकि आपके इंक्रीजिंग आउटसाइड बी को मैं क्या कर सकूं? अपोज। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?